Hi, so welcome to DCA. So 24 hours approx in terms of the time you have been left to study. Although it's around, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद करीब 30-40 घंटे होंगे एग्जाम को, बट हम फ्रूटफुल बात करें तो हार्डली 20-24 घंटे होंगे आपके पास इन ऑर्डर टू रिवाइज. सो यू आर नर्वस, यस मेनी ऑफ यू, वी डू आर, आपके साथ हम भी नर्वस होते हैं. वी टीच, वी पुट एफर्ट फॉर द लास्ट 70-80 डेज और मे बी सम बैचेस हु हैज बीन फॉर द लास्ट लॉन्ग वन ईयर एज वेल. तो नर्वस होना जेन्यून बात है, इट्स अ नेचुरल थिंग, देयर इज नथिंग टू वरी. सबको लगता है कि इतना कुछ अच्छा ये भी है वो भी है, क्या क्या करना है, कैसे समेटना है, राइट. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आप यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हो, दैट इज ओनली फॉर काइंड ऑफ दैट कैन गिव यू अ मोटिवेशन, और यू कैन से दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस यूर वरीज. यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं हो सकता, दैट्स वाई वी हैव नॉट केप्ट एनी सेशन ऑफ 6 आवर्स 4 आवर्स. ये जो मैराथन वगैरह जो फालतू की चीजें है ना, इससे कुछ होना जाना नहीं, राइट. सो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप, जैसे कि आप कोई भी चीज प्लान आउट करते हो तो यू हैव द चेकलिस्ट, ओके, व्हाट हैव यू डन और व्हाट वी फील एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, एज ए मेंटर, व्हाट वी फील कि एक बच्चे को अगर एनी एग्जाम देना है तो 24 घंटे पहले या 25 घंटे पहले, 2 दिन पहले उसको देखना चाहिए कि ये चीजें मुझे आती है कि नहीं, राइट. सो दिस इज फॉर सोशल स्टडीज सेक्शन, राइट. दैट मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी. आई एम नॉट नेमिंग इकोनॉमिक्स बिकॉज एक डेढ़ क्वेश्चन होता है, 1 से 2 वो उसको छोड़ दो, राइट. उसके लिए हम देखते हैं कि लास्ट 24 आवर्स मैं आपके लिए एक चेकलिस्ट लेकर के आया हूं, जो आपको देखना है कि आपने ये करते. अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, सो आई वुड हैव प्लान्ड दिस. अच्छा, अपने को अगर ये चीजें पता है तो आई एम इन द कंफर्टेबल पोजिशन, राइट. सो लेट्स हैव ए लुक व्हाट आर द आइटम्स इन द चेकलिस्ट, राइट. आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम सब, राइट. आपने बस देखना है और आपको देखना है कि अच्छा आपको ये चीज आती है कि नहीं. दिस इज अ जेन्युइन मोटिवेशन, जेन्युइन यू कैन से दैट एडवाइस, राइट, फॉर क्लासरूम एज वेल एज जो दूसरे बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे जो खुद से भी पढ़ के दे रहे हैं. दूसरे कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी पढ़े होंगे, आपकी कोचिंग ने पढ़ा होगा, सब अच्छा है, जो किया सब बेहतर है, कुछ भी कम नहीं, राइट. फर्स्ट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री की बात आते ही सबसे ज्यादा दिमाग में यही चीज आती है, राइट. आनी भी चाहिए बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके. बट एनीवेज हार्डली ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 5 फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, इससे ज्यादा नहीं आ सकते बिकॉज पॉलिटी सेक्शन भी है. तो 4 से 5 के बीच का वेटेज होगा, तो ये करना जरूरी है. एटलीस्ट आप इम्पॉर्टेंट जो चीजें है ना वो जरूर कर ले. इसके लिए एक एडवाइस है, हमने आपको एक एक 18 पेज ओनली 18 पेज जिस्ट मैंने आपको दे रखा है, राइट, विच ऑल द क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड. आप उसको जरूर पढ़िए, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आप उसको जरूर कर ले. अदरवाइज हिस्ट्री हमेशा वास्ट लगती है, आप उसको एक बार देख लें, 2 रीडिंग दें, 18 पेज की रीडिंग में कितना टाइम लगेगा. फर्स्ट रीडिंग में भी 90 मिनट्स, द सेकेंड रीडिंग में भी 60 मिनट्स, बट अगर आपको लगता है वो कर लिया तो जो भी मॉडर्न के क्वेश्चन होंगे अगर एक आम बच्चा करता है, कॉमन स्टूडेंट, तो आप भी जरूर करेंगे, उससे एक ज्यादा ही करेंगे. दिस इज कंपाइलेशन ऑफ द गुड क्वेश्चन और गुड फैक्ट्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम एज वेल एज एनसीईआरटी, जो यूपीएससी पूछती है, सब कुछ है उसमें, उस 18 पेज में सब कुछ है, आप एग्जाम के बाद उसमें ढूंढ सकते हो. विल हेल्प यू, दिस इज जेन्युइन एडवाइस, आप उसको जरूर करें. 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे बट आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं. सेकेंड, ट्रैवलर्स, द नेम ऑफ द फ्यू ट्रैवलर्स, मेजर ट्रैवलर्स, जो प्रोमिनेंट ट्रैवलर्स हैं, या फोर्ट, जैसे फोर्ट विलियम्स वगैरह है, इसके नाम, ट्रैवलर की लिस्ट भी आपके पास है, आपने उसको बस देख लेना है. जो 8 नॉट ट्रैवलर्स जो मेजर, जैसे बर्नियर हो गया, राइट, वास्को डी गामा वगैरह, तो सबको पता होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑल दो रशियन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट अगर आपको आता है, आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी चीज है, बट हमने ये चीज स्किप मार दिया बिकॉज टाइम नहीं था इतना कराने का, तो ये स्किप कर दिया. जिन बच्चों या जिन कोचिंग में आपने अच्छे से किया है, आपको याद है, वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट, भूदान, सर्वोदय एंड द गांधीयन प्रिंसिपल, वी डिस्कस्ड, ये चीज हमने आपको एक माइक्रो नोट्स में दिया था, आपको मैंने एक माइक्रो नोट्स भेजा था पिछले वीक भी, राइट. सो दैट वॉज हेल्पफुल एक्चुअली, आप उसको जरूर कर, राइट. विनोदा भाव, विनोबा भावे वाला जो भूदान मूवमेंट है, सर्वोदय जब वर्ड आता है ना, तो इसमें मनरेगा स्कीम भी आ जाती है एक्चुअली, सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, तो वी टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट,
we talk about all the BPL, below poverty line criteria and the commissions related to that. So whatever it is, it's a broad topic. बहुत ज़्यादा मत पढ़ना. ऑप्शन आएगा तो आपको देख के लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है. राइट, गांधीयन प्रिंसिपल अपने को जानना जरूरी है. आपको माइक्रो नोट्स मिले थे वो जरूर कर लेना. नेक्स्ट, पंचशील, नॉन अलाइन मूवमेंट एंड फाइव ईयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली एनडीए में एक क्वेश्चन इससे आते आते हैं, सिलेबस में लिखा है. अच्छा, आप इस ऑर्डर में अगर करोगे तो आप सोशल साइंस का जो सिलेबस है, राइट, द वॉट एवर इज द सिलेबस इन द पीडीएफ, एक्चुअल ऑफिशियल पीडीएफ, यू कैन फाइंड इट, मेनी ऑफ द टर्म्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस लगेगा. जैसे पंचशील पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट. राइट, फाइव ईयर प्लान, अगर एक लेक्चर आपका पूरा लगा था फाइव ईयर प्लान पे, अगर आपने, आपके यहां भी लगा हो, हमारे यहां तो लगा ही था. सो दैट मीन्स फाइव ईयर प्लान के समरी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स. तो ये टॉपिक आपका कितनी देर का है? टोटल 20 मिनट्स. ये वाला टॉपिक एक हैंड आउट है, देयर इज वन पेज, इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स. राइट, इसमें शायद आपको 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए. ओके, इसको पूरे पढ़ने में मैंने बताया कि 2 घंटे के आसपास लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर यहां से अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इट्स गुड, करना चाहिए ना. नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉलिटी पार्ट, बिकॉज पॉलिटी इज कॉम्परेटिवली ईजियर इन कंपैरिजन टू द हिस्टोरिकल थिंग्स, और इंटरेस्टिंग भी होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, कमिटीज, नेम्स, इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर आएगा. एम एन रॉय, याद नाम रखना. प्रीम्बल प्लस एफ आर, राइट्स, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपी एस पीज, देयर विल बी डेफिनेटली वन क्वेश्चन. स्पेशली 44th अमेंडमेंट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन 44th अमेंडमेंट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन एनडीए एग्जाम, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटमेंट, सीवीसी, सीबीआई, जितने भी बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिटीज, ये सब आपको जानना जरूरी है ब्रीफ में. राइट, आई थिंक सेशन जो लगा था और हर जगह लगा होगा कि विच आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपको बस ब्रीफ याद करना है. इट विल हार्डली टेक 10 to 12 मिनट्स टू रिवाइज दिस. आपने, हमने इस पर काफी टाइम लगाया, एमसीक्यू सेशन भी कराया है, तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. राइट, आपको पता है ये सब चीजें. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको ओथ दिलवाता है. दूसरी चीज, जैसे पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होती है लोकसभा, राज्यसभा क्या है. राइट, दिस इज द थिंग यू नीड टू नो, कितनी स्ट्रेंथ है, राज्यसभा का टेन्योर क्या है, बहुत स्ट्रेट पॉइंट, 6 साल सबको पता होता है, इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट, बस तो इसको, पॉलिटी को रिवाइज करने में अपने को मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, बहुत हो गया ये. राइट, ये डायनेमिक चीज है, आपको याद भी होगा. मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा आपको नहीं आता, बट वेन यू गेट द क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट दैट. राइट, आप एक बार देखो, हिम्मत करो, स्टेप वाइज स्टार्ट एट 5, लेट सपोज यू आर स्टार्टिंग एट 6 o'clock इन द इवनिंग. राइट, आपको जो छोटा लगता हो, ये मान लो बड़ा लगता है, उसको बाद में देखेंगे. आप यहां देखो 6 से 6:15 तक, 6:25 तक, 20-20 मिनट्स का स्लॉट्स बनाओ, 20-20 मिनट्स का, 6 से 9 के बीच में ये सारी चीज आज कर डालनी है. ऑल दिस थिंग, जितनी चीजें हिस्ट्री पॉलिटिक है, 9 बजे डेडलाइन है, 9 बजे तक आपको कर लेना है. यू शुड बी एबल टू फिनिश दिस, आई एम डन, ताकि आपको लगे कि जो हमारा टारगेट है, यू कैन से दैट यू नो एनी स्टूडेंट टारगेट, अगर आप इस हिस्ट्री पॉलिटी के 20 में से 8-9 करके आते हैं, दैट इज गुड, इट्स वेरी गुड. आपने अगर 6-7 भी सही किया, यू आर अ सीरियस कंटेंडर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द रेस, यू हैव एन एज. ये सब्जेक्ट लॉ कौन कब करते हैं? देखो, जिसको थोड़ा मार्क्स एज चाहिए, व्हेन यू वांट टू ऐड यू नो बूस्ट अप योर स्कोर, स्कोर बूस्टर्स, ये फिलर्स हैं. इसमें आप 20 में 80 नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता, भगवान ला सकते सिर्फ. राइट, आप अगर इसमें 80, जो 20 क्वेश्चंस का बजट है, 20 में से अगर आप 35 भी लाते हैं, 34 भी लाते हैं, तो यू आर इन द वेरी गुड पोजीशन. इट्स ट्रू, यूपीएससी के सोशल साइंस सेक्शन में 50% लाना आसान नहीं है. जो बोलता है कि मैं 60% ला रहा हूं, ऐसे झूठ बोलता है, किसी के नहीं आते, बहुत मुश्किल है. राइट, लास्ट, नाउ आपको करना क्या है, आई एम इन्वेस्टिंग अराउंड 4 आवर फॉर दिस सोशल साइंस पार्ट, 4 घंटे में लगाऊंगा. बड़ा सिंपल सा स्टेप, अगर मैं आपकी जगह रहता, स्टेप 1, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जिस्ट है, 18 पेज का है, मैंने पेज काउंट किया, आपके पास भी आप देख सकते हो, 18 पेज की जिस्ट आप इन्वेस्ट करोगे. फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने माइक्रो नोट्स में दिया था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, FR, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको देखेंगे. राइट, ये एक्चुअली 3 पेज का है, 6 पेज गलत लिखा हुआ है. नेक्स्ट, पॉलिटी रिकैप, 12 पेज का जो पॉलिटी के यू नो बेस्ड ऑन प्रिम्बल, बेस्ड ऑन FR, बेस्ड ऑन FD, ऐसे क्वेश्चन, इसको आपको देख लेना है, जो आपके पास आई होगी आज. लास्ट, कल
कल शाम को, दैट इज यू नो ऑन फिफ्थ इवनिंग, आपको जो एमसीक्यू की शीट मिलेगी इसके रिलेटेड, आपको बस वो एक्सप्लेनेशन देख लेना है. दैट इज हार्डली ऑफ 10 पेज. इट विल बूस्ट योर स्कोर. इतने में आपका काम चला जाएगा, इतने में आप गारंटेड है, मतलब देखो इट्स टू गुड. अगर आपने इतना वाकई किया है, यू विल डेफिनेटली गेट एटलीस्ट 7 to 8 करेक्ट आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन, विच इज वेरी गुड एक्चुअली. बिलीव मी, स्कोरिंग 8 इज नॉट अ ईजी डील, आसान नहीं है, राइट. बहुत अच्छा खासा स्कोर है अगर आप वाकई इतना करते हो. इसके लिए आपने अटेम्प्ट 11-12 करोगे, 7-8 सही होगा, 1-2 तो गलत होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिस्टेक ना हो तो अच्छी बात है. सो दिस इज व्हाट वी बिलीव, दिस शुड बी कवर्ड अंडर चेकलिस्ट, द लास्ट मिनट चेकलिस्ट फॉर द एनडीए एग्जाम. अगर आप ऐसा करते हैं, यू आर डेफिनेटली इन द गुड पोजिशन, एंड आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए अगर आपके पास टाइम है. अगर आपका मन नहीं है, आप घबरा रहे हैं, आपको लगता है नहीं अब कुछ नहीं पढ़ना, इट्स ऑल योर डिसीजन. आप घबराइए मत, आपको घबराने से कुछ नहीं होगा, राइट. सबको एंग्जाइटी होती है, चिंता सबको होगी, बट इट्स नॉट ए वरी, इट्स ए नेचुरल थिंग. एंग्जाइटी पॉजिटिव ही होती है. आपको टेंशन है अपने एग्जाम की, सबको होती है और होना भी चाहिए. यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक. यू हैव वर्कड फॉर द लास्ट 70-80 डेज. बिलीव मी, यू आर गोइंग टू मेक इन टू द लिस्ट. बट आप अपने यू नो माइंड को काम रखो, चेकलिस्ट जरूर कर लो, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. अदरवाइज आपको हमेशा लगे कि मुझे कुछ याद है कि नहीं, मुझे कुछ याद है कि नहीं, ये नहीं करना. सो दैट्स ऑल फॉर द हिस्ट्री पॉलिटी सेक्शन चेकलिस्ट. बाकी चेकलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. आप जाएं और एक बार इसको निपटाएं. आज शाम 9 बजे तक, दैट इज 4th की इवनिंग, 9 की जगह 10 हो जाए, बट 5 तारीख नहीं होना चाहिए. And definitely you will be in the good position to crack NDA written exam. Thank you. All the best. Stay positive. Stay motivated. Bye.